जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कैसे हो, अच्छे हो? मैं आ गई आपके सामने श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित। श्री राम कथा है ना ये, तो उसको अर्थ सहित मैं लेके आ गई आपके सामने। कोई भी दोहा नहीं छोड़ूंगी और ना कोई चौपाई छोड़ूंगी ना अर्थ छोड़ूंगी। एक शब्द भी नहीं छोड़ रही हूँ, सारा मैं आपको बता रही हूँ, एक एक चीज को मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमारी रामायण कहाँ तक पहुंच गई कि अब वनवास की तैयारी हो रही है। दशरथ जी केकई माँ से विनती कर रहे हैं, केकई नहीं मानी है, उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मुझे तो वरदान ही चाहिए या फिर आप ये छोड़ दीजिए, झूठे हो जाइए आप, है ना, आप यह स्वीकार करिए या तो मुझे वरदान दीजिए। ये केकई दशरथ जी को बोल रही हैं और फिर तड़प रहे हैं दशरथ जी बहुत ज्यादा। वो बोल रहे हैं कि मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास के लिए मत भेजो। पर केकई मान नहीं रही हैं कि नहीं, या तो आप अपना अपयश स्वीकार कीजिए या फिर मेरे को वरदान दीजिए। ये केकई दशरथ जी को बोल रही हैं। दशरथ जी ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आ रहा है केकई के, तो अब वो तड़प तड़प के रोने लगे हैं बहुत ज्यादा, पैरों में पड़ गए केकई के कि ऐसा मत करो, पर नहीं मान रहे। चलो हम आ गए थे 35 दोहे पर, उससे आगे आज रोज की तरह भगवान जी से अनुमति लें। अनुमति के बिना श्री राम कथा शुरू नहीं हो सकती, और हनुमान जी के बिना राम कथा तो होती ही नहीं है। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, तो उन्हें भी बुलाए और अनुमति लें। जय श्री रामचंद्र जी की जय। हमें अनुमति दीजिए श्री राम कथा पढ़ने के लिए। कहा गया है ना, राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा कलयुग में है, बहुत ज्यादा कलयुग में राम के नाम की महिमा बताई गई है। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जाप करती रहिए, हर समय नाम जाप करती रहिए। मंत्र नहीं बोल सकते हम, मंत्र तो नहा के शुद्ध होके आसन पर बैठ के ही बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सोचें कि ओम नमः शिवाय हर समय जाप कर सकते हैं, नहीं, हम लोग ओम नमः शिवाय हर समय जाप नहीं कर सकते। जैसे कि हम नाम जाप करते हैं, राम राम राम, सीता सीता सीता, राधे राधे, है ना, कृष्णा कृष्णा, जो भी हो, गोविंद हरे गोपाल हरे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जय माता दी जय माता दी, ये नाम, शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, ये हम सब ले सकते हैं। लेकिन मंत्र ओम नमः शिवाय हम मंत्र हर समय नहीं जाप कर सकते। हाँ, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हम चाहे जब ले सकते हैं, सोते बैठते उठते खाते पीते कुछ भी करते हुए ले सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको कोई ना कोई एक बात बताती हूँ। जय श्री राम। आप चले अपने 35 वाले दोहे पर। कीर्तन भी बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, कथा पढ़ने से पहले कीर्तन करना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। आइए हनुमान जी विराजमान होइए और हमारी कथा को सुनिए, राम कथा को सुनिए। जय श्री राम। Krishna, 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 Hare Hare.
रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय श्री राम। दोहे को रिपीट कर देती हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ थे। मरम बचन सुने राव कहे, कहो कछु दोष न तोर, लागे हु तो ही विपाचिज काल कहावती मोर। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। दशरथ जी भी बोल रहे हैं कि वही सब तेरे से काल कहलवा रहा है, तेरा दोष नहीं है। और सच्ची में ही केकई माँ का दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है केकई माँ का। वो तो ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि देवता सुरक्षित रहें, जग का कल्याण हो। फिर जग का कल्याण कैसे होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। केकई को कोई दोष नहीं है, केकई को हमें दोष लगाना नहीं चाहिए। केकई माँ तो बहुत प्यार करती थी, हद से ज्यादा प्यार करती थी। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ गई आ बसी है, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में वे मौके विधाता विपरीत हो गया। भाई सकल से बकाई, होए तिहूं पुर राम बड़ाई, तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। ये दशरथ जी केकई को बता रहे हैं। तोरे कलम को मोरे पछताऊ, मुए हुना मिटे न जाही काहू, अब तोहे नीक लाग करो सोई, लोचने ओढ़ बैठ मुह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। दशरथ जी बोल रहे हैं, अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, मतलब मेरी आंखों के सामने से हट जा, पीछे जाके आर में ओट में बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। ऐसे बोल रहे दशरथ जी। जब लगे जियो कहूं करे जोरी, तब लगे जा तब लगे जने कछु कहे से बहोरी, फिर पछिते हसी अंत अभागी, कैसा कैसा समझा रहे हैं। बोल रहे हैं तू मेरे सामने से हट जा, चली जा, आड़ में बैठ जा, ओट में, पीछे मुंह मत दिखा मेरे को। ये सब दशरथ जी बोल रहे हैं।
मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना, मतलब बोलना नहीं। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। कैसा कैसा समझा रहे हैं केकई को। परे उड़ाओ कहीं कोटी राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। अब केकई माँ तो तभी बोले ना कुछ जब काल बोलने दे, क्योंकि सरस्वती माँ ने तो उनकी बुद्धि को फेर दिया ना, मंथरा की को और केकई की बुद्धि को फेर दिया, तो अब वो कैसे बोले। पर लेकिन दशरथ जी समझा रहे हैं, कितना कितना समझा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़पना शुरू कर, अब तू हट जा मेरे सामने, अब मत कुछ बोलना। कितना बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा ये हो गया। राम राम रटे निकले भुआलू, जन बिनु पंख बेहंग बेहालू, हृदय मनाब गोरे जने होई, राम ही जाई कहे जने कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं राम, दशरथ जी राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। जब किसी पक्षी के पंख कट जाते हैं तो बेचारा तड़पता रहता है जमीन पे, कहाँ उड़ पाता है, नहीं उड़ पाता, इधर तड़प इधर ऐसे 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 पटकता रहता है अपने आप को, तो उड़ नहीं पाता है। यही हाल दशरथ जी का हो रहा है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो, वो कह रहे सवेरा ना हो, रात ही बनी रहे, क्योंकि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुबह होते ही। और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे, राम जी को पता ना चले, ऐसे बोल रहे हैं। ओ दहु करहु जने रब रघु कुल गुरु, अब देखे लोक सुहुले होई और, भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभय अभदि बिदरती बनाई। हे रघु कुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना सूर्योदय ना करें, अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, लाभ देख नहीं पाओगे सुबह होते। राजा की प्राप्ति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है,
और केकई निष्ठुरता की। बेलपति निरपही भयो बिनो पराबीना, बिनो संग धुने द्वारा पढ़ई बात गुने गावे गायक। सुनत निरपही जन लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और संघ की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं और गवै गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन के से सगामने गामने ही विभूषने जैसे केहिने से नीद परी नहीं काहू राम दरसे लाल सा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। बारे बीरे से बके सचिव तहे उदित रवि देख जागे अजहु ना बलपति विशेष। राजद्वार मंत्रियों को और सेवकों की भीड़ लगी है। मंत्रियों की और सेवकों की भीड़ लगी है। कहां पर? राजद्वार पर, दरवाजे पर भीड़ लगी है। अब वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अभद्रपति दशरथ जी अभी तक नहीं चल के आए। ऐसा कौन सा कारण हो गया कि मतलब उदय सूरज उदय होने लगा और दशरथ जी अभी आए नहीं है। मतलब इतना बड़ा काम है, राज्य श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने जा रहा है, वो सब चिंता में हो रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण हो गया। नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब कितनी जल्दी उठ जाते हैं, पिछले ही पहर जाग जाते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जब दशरथ जी आज्ञा देंगे, राजा आज्ञा देंगे, तभी तो काम करेंगे सब लोग। गए सुमंत्र तब राहुल माही देखे भया बन जाप दे राही भाई खाई जनु जाई न हेरा मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए। सुमंत्र जी पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। मतलब भयानक सा लग रहा है तो उन्हें डर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा महल। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को उतर भवन भूप के कहे गए जीव बैठ सुरोदाई देख भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है।
वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए, एकदम देखते रह गए ना राजा को, क्योंकि वे एकदम जमीन पे इस तरीके से पड़े थे, गिर पड़े थे। सोच निकल रे रन वहीं पर मानो कमल मूल पर हरे सचियु सभी तिस कहि नहीं पूछी बोली अशुभ भर शुभ छूती। देखा कि राजा सूर से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परी नाराज ही दिन से खेत जान जगदीशु राम राम रटे भोर किए के कहि न मरब महीसु। राम राम करके रात बिता दिए, नींद नहीं आई है दशरथ जी को, ऐसे के कई बोल रही हैं। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। मतलब वो उल्टा कह रही है कि राजा मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, राम राम करके सारी रात बिता दी है। आना हो राम है देखे बोलाई समाज समाचार तब पूछे हूँ आई चले उसो मंत्र राय रुख जानी लखी को चाल की ने कछुरानी। तब जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र जी जान गए हैं कि रानी की ही कोई कुचाल है। सोच भी कल मग पर ही ना पाऊ राम है बोल कही काराऊ और धर धीरज गयो दुआरे पूछे सकल देख मनो धारे मनो मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे पैर नहीं पड़ रहा है, सोच में वो व्याकुल हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि आखिर क्या कहेंगे राम जी को बुलाकर। किसी तरह हृदय में धीरे धर कर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। द्वार पर गए, दरवाजे पर गए, उदास एकदम से सब पूछने लगे कि क्या क्या बात है ना। समाधान करे सो सब ही का गए हो जहां दिन कर कुल टीका राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया।
उन्हें पिता की तरह ही सम्मान दिया देते थे रामचंद्र जी। निरख बदनो कही धूप रजाई, रघुकुल दीप चल उलेवाई, राम को भाते सचिव संग जाही, देखे लोग जह तह दिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग वहां जहां तहां विषाद कर रहे हैं, मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि क्या बात है क्या बात है, ऐसे मतलब सोच में है सब लोग। जाई दिए के रघु बंस समने, नरे पते ने पते कुसाजो, सेने परे उलखे सिंह सिंघी ने, मनहु ब्रद दजो राजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पासी क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में प्रभु राम स्वभाव, प्रथम दीक दुख सोना न काऊ, तदप धीर धरे समउ विचारी, पूछी मधुर वचन मह तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता के कैसे पूछा। मोहे कहूं मात तात दुख कारण, करिए जतन देहि होए निवारण, सुनहु राम सब कारण एहु, राजा हे तुम्हे पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कि कई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने कहने मोहे दुई भर दाना, मांगे जो कछु मोहे सुहाना, सो सुने भयो भूप उर सोचु, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचु। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुते सने हो इते बचन, उते संकट परे उनरेसु, सकाओ तो आयस धरऊ सिर, न मेटे हो कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है
और उधर वचन प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। ऐसा केकई बोल रही है राम जी को कि एक तो वो तुमसे प्रेम करते हैं और इधर वरदान के लिए बोलते हैं, तो तुमसे प्रेम बस हो नहीं रहा, जा नहीं रहा, उनका छूट नहीं रहा है। ये शिव करके बोलती हैं। अब राम जी तो करेंगे, जाएंगे बन को। जय श्री राम। रानी कुशवाहा जो भी बड़ा, जय श्री राम मेरे प्रभु। आपने सबके हित के लिए कितना सब कुछ सहन किया है, राम जी ने बहुत सहन किया है। भगवान होके उन्होंने सहन करते हुए हम सबको सिखाया, पर लेकिन हम ऐसे हैं पापी लोग के कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं सीखना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों सब सीखो राम जी, राम कथा से, श्री राम कथा से सब कुछ सीखो। बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर जिसने भी अपने जीवन में उतार ली ये सब बातें, उसका जीवन सफल है। जय श्री राम। रानी कृष्ण का हाथ जोड़ के पढ़ा, जय श्री राम। सबको देखिए, सबको सुनाइए, खुद भी सुनिए, खुद सुनिए और सबको सुनाइए। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।